सूरत में अंडे की बहुत सारी वैरायटीज हैं। शाम के समय यहाँ पर जगह जगह लारी लग जाती हैं। हर किसी के पास अपनी रेसिपीज हैं और अपनी फैन फॉलोइंग है। अगर आप अंडे के शौकीन हैं तो आप हैरान हो जाएंगे यहाँ पर एग वैरायटीज देखकर। एग वैरायटीज बनाने वालों का क्रेज और एग वैरायटीज खाने वालों का क्रेज दोनों काबिले तारीफ है। हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। सूरत में अंडे की बहुत वैरायटीज अवेलेबल हैं। मेरे को याद नहीं पिछले 1.5 साल में हमने अंडे का कोई एपिसोड बनाया या अंडा कहीं कवर भी किया है। एनीवेज, मैं पहुंच चुका हूं इस समय गणेश ऑमलेट पे अंडा खाने के लिए। मैं अभी देखने आ गया अंडा कैसे बना रहे हैं। तवे में अंडे को डालने के बाद उसको बटर में हाफ फ्राई किया, हरी मिर्च और अदरक का मसाला डाला उस पर। उसके ऊपर डाल रहे हैं ये बॉयल अंडे के टुकड़े, साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता और हाफ फ्राई तैयार। अलग से तवे पे बटर डाला, हरी मिर्च और अदरक का मसाला, रेड मिर्च, टोमेटो केचप, ग्रेटेड चीज़, थोड़ा सा हरा धनिया और ये ग्रेवी तैयार। ये तैयार ग्रेवी को हाफ फ्राई एग के ऊपर डाला और हमारी डिश तैयार। इस तरह के अंडे में बड़ी हाई लेवल ऑफ इनोवेशन है। पाव दिया साथ में, ये मज़ेदार है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो मेरे को थोड़ा सा मेंटली बॉदर कर रही है, वो है लोड्स ऑफ बटर। टेस्ट ठीक है, मैंने 2-3 बाइट ली हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ हम थोड़ी ज़्यादा डाल देना वो ओवर पावर कर देती है, फॉर एग्जांपल बटर। तो मैं इंडिविजुअली टेस्ट को समझ पाना मुश्किल हो जाता है बिकॉज बटर काफ़ी ज़्यादा है। पाव मस्त सॉफ्ट है, पाव में हल्का सा जो बटर के साथ मसाला लगाया है ये अच्छा टेस्ट दे रहा है। पाव के साथ ये कॉम्बिनेशन बेहतर आ रहा है, बृहस्पत केवल ऐसा ऑमलेट खाने के। ओवरऑल सही है, गुड एफर्ट। बाहर में बैठ के खा रहा हूँ, टेबल चेयर लगा हुआ है। अंदर इनके यहाँ पर सिटिंग स्पेस भी है तो लोग कंफर्टेबली अंदर बैठ के भी खा सकते हैं। वैसे लोग आमतौर पर अंडा खाने यहाँ रात को 7-8 बजे के बाद आते हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि आज मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। मुझे रेफरेंस मिला कि आप भाई भाई के पास जाओ, वहाँ पर आपको टेस्टी एग वैरायटीज एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। इस समय शाम के 7 बजे हैं, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। मैंने अपने लिए ऑमलेट ऑर्डर भी कर दिया है। हमारे लिए जो अंडे की डिश तैयार हो रही है इसका नाम है कच्ची लाहौरी। तवे पे बटर डाला, ऊपर हरी मिर्च, काफ़ी सारे मसाले लाइक गरम मसाला, हल्दी, नमक, ऊपर ग्रीन गार्लिक, उसको तवे पे सॉटे किया, 2 कच्चे अंडे तोड़ के डाले, सेमी कुक लेवल पे उसको सेपरेट एक प्लेट पे निकाल दिया। उसके बाद तवे पे दोबारा से बटर डाला, वही सेम मसाले दोबारा डाले तवे पे, थोड़ा सा पानी ऐड किया 1 या 2 बार, कटे हुए बॉइल्ड एग ऊपर डाले, चीज़ को ग्रेट करके डाला और उसकी ग्रेवी रेडी करी और इस रेडी ग्रेवी को पुरानी वाली प्लेट के ऊपर डाल दिया। इस प्रिपरेशन के अंदर क्या विजुअल अपील है और क्या लुक्स हैं, देखते ही बन रहा है इस तरह से ग्रेवी के अंदर एग प्रिपरेशन। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इनोवेशन है अंडे पे। नीचे से एक लेयर है जिसके अंदर हरी मिर्च का फ्लेवर आ रहा है, कच्चे अंडे का फ्लेवर आ रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से कुक नहीं किया, हाफ फ्राई था, और उसके ऊपर लेयर है बॉइल्ड एग की। अमेजिंग, मेरे को मन हो रहा है मैं इसी को खाता रहूं, पाव के बाद में हैंडल करूं, एटलीस्ट 5-6 चम्मच खा लेने के बाद, क्योंकि इसके अंदर मिर्च का एहसास भी है, लाल मिर्च जो काफ़ी सारी डाली है और ऊपर से ग्रीन गार्लिक की गार्निशिंग। इस तरह की प्रिपरेशन ना सूरत में ही पॉसिबल है। चीज़ भी घुल मिल गया पूरी प्रिपरेशन के अंदर, हर चीज़ का टेस्ट आ रहा है लेकिन कंबाइंड हो गए, इंडिविजुअली पिन पॉइंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। मेरे को कल जो मैंने अंडे का एक्सपीरियंस किया था वहाँ बटर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, यहाँ बटर मेरे को उतना ही एक्सपीरियंस हुआ जितना होना चाहिए। मेरे ख्याल से 3-1 चम्मच बटर पूरी प्रिपरेशन में है। इसमें ज़रूर इन्होंने अच्छा खासा बटर लगा दिया पाव में,
बट दैट्स फाइन। ये खाते खाते मेरा मन हो रहा है एक ऑमलेट और ट्राई करूं, लेकिन टुडे आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। सुबह से काफी कुछ खाया, लिटरली पार्ट ऑफ अदर एपिसोड, सो आई डोंट वांट टू ओवर ईट टुडे। सूरत में एक रूटीन सी हो गई है, रोज शाम को यहाँ पर हमको 7 बजे अंडा खाने जाना है। यहाँ पर हमें डिफरेंट किस्म की एग वैरायटीज एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। सूरत में तो अंडे की इतनी वैरायटीज हैं, मुझे लगता नहीं इंडिया में कहीं भी होंगी। इस समय मैं शिंगोतरा ऑमलेट में हूँ अडाजन एरिया में। हमेशा की तरह आपको सारे ड्रेसेस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अंडे की ग्रेवी का टेक्सचर और विजुअल अपील देखते ही बन रही है, जिसके अंदर केवल योग का इस्तेमाल किया गया। ऊपर से मैंने देखा चीज़ डाला इन्होंने, सर्व करने के लिए इन्होंने पाव दिया साथ में। मैंने बोला था इनको मिर्च माइल्ड रखना, तो उस हिसाब से मिर्च माइल्ड है। अमेजिंग बात यह है कि योग को जो क्रश किया तवे के ऊपर और सेकंड लेवल पे वो ग्रेवी में मिल चुका है। दूसरी बात है ये जो योक है, ये तो मैंने भी खाया नहीं, लेकिन आई कैन इमेजिन बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आने वाला है। इस डिश की जो विनिंग गेम है ना, वो है थोड़ा थोड़ा मीठा और थोड़ा थोड़ा स्पाइसी, क्योंकि जो योक है उसमें मिठास है और स्पाइसी क्योंकि मसाले जो इन्होंने इस्तेमाल करे हैं उसकी स्पाइस है। ऊपर से चीज़ गार्निश कर दिया, उसका अपना मजा है। अब मैं थोड़ा सा चीज पोर्शन धनिया के साथ। ये पाव पे जो मसाला है ना, इस ग्रेवी का ही मसाला है। सूरत में जब मैं अंडे की वैरायटीज देख रहा हूं ना, एक ही चीज सामने आ रही है, इस तरह के एक्सपीरियंस अंडे को लेकर मैंने पहले कभी नहीं करे। अच्छा हुआ मैंने ये डिश चूज करी, हालांकि इन्होंने रेकमेंड किया था कि ये इनकी स्टार डिश है। मैं कंफ्यूज था इतनी सारी वैरायटी में क्या चूज करें, बट आई थिंक आई मेड दी राइट चॉइस। इस ग्रेवी का टेस्ट इतना मजेदार है कि मेरे को ना सही मायने में इस चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं केवल ग्रेवी इंजॉय करूं, हालांकि भूख तो मेरे को लगी है, लेकिन ये ग्रेवी अपने आप में इतनी टेस्टी है कि मेरा मन हो रहा है कि केवल मैं इसी चीज को खाऊं और पाव को छोड़ दूं, लेकिन आई विल हैव पाव ऑल्सो। गुड एक्सपीरियंस, एंजॉय किया। इस समय हम नवयुग कॉलेज के पास अडाजन एरिया में ऑमलेट खाने आए। मुझे यहाँ 5-6 लारी दिख रही हैं, ये सेंटर वाली लारी में चलकर फाइंड आउट करते हैं। हमने डिसाइड कर लिया कौन सा ऑमलेट खाना है। इसके अंदर 5-6 स्टेप है बनने में, मैं बनते हुए अपने सामने देख रहा हूँ। सबसे पहले बनेगा डबल का ऑमलेट ऑयल और मसाला के अंदर। ग्रेवी को ऑमलेट के ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर चीज और धनिया से गार्निश किया। अब डबल का फ्राई होगा, जिसके लिए 2 अंडे को फ्राई किया, मसाला और लहसुन ऐड किया और उस प्लेट पे ऐड कर दिया। इस ग्रेवी को भी उस प्लेट पे डाल दिया, उसके ऊपर चीज और ग्रीन लहसुन से गार्निश किया। हमारी डिश तैयार। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ खाने के लिए आया हूं और उसको देखते ही मेरा पेट भर चुका है। आमतौर पे क्या होता है, देखने से टेम्पटेशन बढ़ती है, और आज ऐसा लग रहा है आई एम डन। सबसे पहला एहसास हुआ ऑमलेट चीज के साथ, हाफ फ्राई। सेकंड स्पून लेने पे एहसास है ऑमलेट चीज और उसके ऊपर ये हाफ फ्राई का मजा। एक मैं यूनिक सी चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूं इस ऑमलेट में, कि जैसे जैसे मैं हर चम्मच की बाइट लिए जा रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस और टेस्ट दोनों एनहांस हो रहा है। अभी तक मैंने जितना खाया, अगर उसको कुछ समराइज करना है तो इसके अंदर रेड ग्रेवी और ग्रीन ग्रेवी का कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। अदर थिंग इज, ये यहाँ पर दिख भी रहा है,
ओवरलोडेड विद ऑयल। अब कायदे से तो ज़्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन स्टाइल ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। जितनी अंडे की लारी सूरत के अंदर लगती है, मेरे को सीरियस डाउट है हिंदुस्तान में किसी भी शहर में होंगी। एक्चुअली मैं भी हैरान हो गया देखकर कि यहाँ पर अंडा खाने जाओ तो आपको लारी पे 300 रुपए का अंडा, 400 रुपए का अंडा इस तरह की प्रिपरेशन में मिलता है, जो हार्ड टू फाइंड एट एनी अदर प्लेस। बट यस, मेहनत भी है, दिमाग भी है, इस तरह की चीज़ तैयार करना कोई आसान काम नहीं है, तैयार करना और टेस्ट डिलीवर करना। तो दैट वे गुजरात के इस शहर के अंदर बड़ा मतलब अमेजिंग टेस्ट और अमेजिंग वैरायटीज, नॉट ओनली इन एग बट इन एवरीथिंग। अच्छा दोस्त, मेरे को ऑमलेट पसंद आया, टेस्ट अच्छा था, काफ़ी मेहनत है, खाली वो थोड़ा ऑयल पे कंट्रोल करो, ऑयल मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा। आपके पास कितनी वैरायटीज हैं ऑमलेट में? हमारे पास मेनू में 50 है और वैसे हम बाहर 200 आइटम बनाते हैं। 200? अरे वो जो आपने लहसुन डाला था, हाँ। वो मेरे को दिखा सकते हो क्या? क्या? अच्छा ये लहसुन है जो इन्होंने अंडे में काफ़ी सारा यूज़ किया है। ये लहसुन मेरे को सूरत में जगह जगह देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या करते हैं इसको, ग्रीन लहसुन कहते हैं, तो जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक काट के इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास ये सामने वही पड़ा ना लहसुन कटा हुआ? हाँ। चलो भाई दोस्त, थैंक यू, वेलकम, थैंक्स। सूरत में एग वैरायटीज देखकर तो मैं हैरान हूँ, ऐसी ऐसी एग रेसिपीज देखने को मिल रही हैं कि देखते ही बन रहा है। जय बोले लारी, अडाजन पाटिया एरिया में मैं ऑमलेट खाने के लिए आया, तो मैंने बोला कुछ डिफरेंट किस्म का ऑमलेट बताओ, तो इन्होंने बोला ये आप ऐसा इसमें थम्सअप डालेंगे। तो मैंने बनते हुए देखा, काफ़ी कुछ गया इसके अंदर, पहले हाफ फ्राई तैयार हुआ, हाफ फ्राई के ऊपर काफ़ी लोडिंग मसालों की भी हो रही थी और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट से लेकर लास्ट में मैंने नोटिस किया बीच में चीज़ भी गया, साथ में अंडे का योक भी गया और लास्ट में थम्सअप गई, जो बची हुई थम्सअप इन्होंने मेरे को साथ में दे दी। तो ये जो है इसमें हाफ फ्राई है और उसके ऊपर ग्रेवी है। नाइस, गुड प्रिपरेशन। अभी आधा चम्मच खाते ही मेरे को दो तरह के चीज़ का एहसास हो रहा है, एक हल्का हल्का मीठा और हल्का हल्का स्पाइस। सूरत में मैं जगह जगह नोटिस कर रहा हूँ हरे लहसुन का इस्तेमाल गार्निश के लिए किया जाता है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बाइट। ऊपर मसाला, नीचे ये हाफ फ्राई का देखो येलो पार्ट, व्हाट एन इनोवेशन, बहुत मस्त टेस्ट है इसका। अभी तक मैंने जितने अंडे खाए यहाँ पर सभी अपने आप में बहुत बढ़िया है, डिफरेंट वेराइटीज, दिस वन इज ऑल्सो वेरी नाइस। धनिया, टमाटर, प्याज, इन सब चीज़ को अंडे में मिक्स कर लिया जाए, आई थिंक देयर कैनॉट बी एनीथिंग बेटर देन दिस ऑन टेस्ट। एग वैराइटीज के अंदर तो अल्टीमेट काम हो गया आज, मैं हैरान हो गया देखकर। जैसे इन्होंने थम्सअप डाली ऐसे इसका नाम है यहाँ पर बुलेट फ्राई, इसी तरीके से यहाँ पर फैंटा डालकर भी एक फ्लेवर देते हैं बनाकर। अगर आप सूरत में ऑमलेट की वैरायटीज एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए, 4-5 दिन तो टोटली इनसफिशिएंट है। मैंने बहुत इन्जॉय किया, अब दोबारा सूरत कब आना होगा मालूम नहीं, लेकिन अगली बार आऊँगा तो मैं और भी एक्सप्लोर करूँगा ऑमलेट, मे बी आफ्टर 2 or 3 years। दैट्स इट, अपने एक्सपीरियंसेस हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। बची हुई थम्सअप खत्म करके मैं निकलता हूँ यहाँ से, थैंक्स फॉर योर टाइम।